बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता दें, जहां शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है। राजस्थान में एक नाबालिग से 5 दिन तक गैंगरेप किया गया। ये नाबालिग 4 जनवरी से लापता थी। उदयपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। राजस्थान के राजसमंद जिले से लापता हुई थी ये नाबालिग लड़की, जो राजसमंद से उदयपुर आई थी। 5 दिन अलग अलग जगहों पर लेकर गए थे ये आरोपी उसे, और अब इन आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। 7 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 5 दिन तक इन आरोपियों ने उस मासूम के साथ हैवानियत की थी, गैंगरेप किया था, और अब पुलिस की गिरफ्त में हैं ये 7 आरोपी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, शर्मनाक कर देने वाली खबर राजस्थान से सामने आई है, जहां उदयपुर में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की गई। 5 दिन तक इस मासूम के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस थाना केलवाड़ा में 5 तारीख को एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें नाबालिग बच्ची का 363 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें बालिका को 10 तारीख को पुलिस के द्वारा दस्तियाब किया जाता है। बालिका के 164 CRPC के बयानों के आधार पर गैंग रेप की पुष्टि होने पर आज बापरदा 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो घटना स्थल है वो अलग अलग लोकेशन पे है। बालिका की दस्तियाबी पे जो बयान दर्ज किए गए थे उसके आधार पर ये सब चीजें सामने आई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।